For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. बागी 2 की सक्सेस के बाद दिशा पाटनी की किस्मत चमकी और उन्हें बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के साथ फिल्म भारत में रोल ऑफर हुआ। हालांकि ये रोल एक स्पेशल कैमियो था, मगर फिर भी फैंस को इस कैमियो में भी इन दोनों की केमिस्ट्री बेहद पसंद आई। इनफैक्ट दिशा और सलमान के स्लो मोशन गाने ने तो सभी के दिलों की धड़कन को तेज कर दिया। पर दिशा और सलमान के बीच के एज डिफरेंस के चलते दिशा को लगा कि उन्हें अब आगे कभी सलमान के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा, मगर दिशा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था और अब वो अगले साल भी पर सलमान के साथ एक फिल्म में नजर आने वाली है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की, जो कि ईद 2020 पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए मेकर्स ने दिशा पाटनी को फीमेल लीड ऑफर की है और गेस व्हाट, दिशा ने ये रोल एक्सेप्ट भी कर लिया है। ऐसे में शूटिंग के दौरान जब उनसे सलमान खान के बारे में पूछा गया तो दिशा ने कहा, आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच ग्रेट एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। सलमान खान इज सच अ ग्रेट गाय, ही हैज द पर्सनालिटी ऑफ अ स्टार, व्हेन ही एंटर्स द सेट्स It's so overpowering. But when you speak to him, he's so nice, down to earth and humble. And he really likes to help people. A trait that I've seen with my own eyes. He has a golden heart. He loves people. Well, दिशा की इस राय से तो हम सब भी पूरी तरह सहमत हैं. और आप? दबंग सलमान खान आ चुके हैं बिग बॉस के सेट पर। यस, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। डेफिनेटली दबंग की प्रमोशंस जो है वो धड़ल्ले से शुरू हो चुकी हैं। एक के बाद एक धमाकेदार प्रमोशंस हो रहे हैं दबंग के। सलमान, सोनाक्षी, सई सभी मिलकर फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अब बिग बॉस में भी आपको सलमान का दबंग अंदाज देखने को मिलेगा। और वो इसीलिए क्योंकि ऑफकोर्स बिग बॉस में जब भी सलमान एंटर करते हैं तो वो तो वीकेंड का वार पर देखने लायक चीज होती है। हर बार सलमान की एंट्री होती है, धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हैं सलमान। इस बार लेकिन दबंग अंदाज में परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे, यानी कि ऑफकोर्स चिल्ड्रंस डे स्पेशल तो सेलिब्रेट होगा ही। जैसे ही आप वीकेंड का वार एपिसोड देखेंगे, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन लेकर, और वो सभी मिलकर देते हैं सलमान खान को एक स्पेशल दबंग ट्रिब्यूट। जी हाँ, और उस दबंग ट्रिब्यूट के बाद सलमान भी थोड़े से अपने एज यूजुअल मस्ती वाले अंदाज में नजर आएंगे आपको, साथ ही साथ डांस करते हुए नजर आएंगे बच्चों के साथ। अब सलमान जो है, क्योंकि ऑफकोर्स पहले ऑडियो ट्रैक आया था दबंग का, हाल ही में पहला वीडियो ट्रैक रिलीज किया गया है दबंग का, हुड़हुड़ दबंग यानी मैं हूँ दबंग ट्रैक, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया, लोगों को बेहद पसंद आ रहा है ये गाना। और अब इस गाने पे हम सलमान को जब स्टेज पर लाइव परफॉर्म करते देखेंगे तो धमाकेदार मजा आने वाला है, और साथ ही साथ बच्चों के साथ, जिनको सलमान इतना ज्यादा प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं बच्चों को। सो आप कितना एक्साइटेड है इस चीज के लिए कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूं ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। सलमान खान ईद पर डेफिनेटली राधे तो लेकर आ ही रहे हैं ईद 2020 पर, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज एक के बाद एक इसमें ऐड होते जा रहे हैं, और जो न्यू एडिशन है वो है मिस्टर भूटान। जी हाँ, यानी कि संगय, इस फिल्म में उनको भी अब ले लिया गया है एज अ स्टार कास्ट, उन्होंने ज्वाइन किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर फोटो जो है वो वायरल हो रही है, जहाँ पर फुल फिट एंड हैंडसम मोड में तो वो रहते ही हैं हमेशा, बट फुल जबरदस्त बॉडी शॉडी है उनकी, और वो नजर आ रहे हैं फोटो में सलमान के साथ राधे के सेट्स को ज्वाइन करते हुए। वेल, राधे में एक एक करके बहुत सारे लोग एड अप होते जा रहे हैं, और डेफिनेटली एक्साइटमेंट जो है राधे के लिए वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुपर डुपर एक्शन फ्लिक होने वाली है ये फिल्म। और इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही इसका एक्शन होने वाला है, बिकॉज नाम में ही बोल दिया गया है राधे द मोस्ट वांटेड भाई। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए, और संगय अब इस फिल्म में आ गए हैं तो डेफिनेटली और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। और मिस्टर भूटान रह चुके हैं, मिस्टर भूटान चैंपियन है वो, तो डेफिनेटली उनको इस फिल्म में एक्टिंग करते देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप लेकिन कितने एक्साइटेड है राधे के लिए कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूं ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। देवलीना और सिद्धार्थ शुक्ला की एक अलग ही तरह की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, और ये कोई हंसी मजाक में या फिर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लग रही है, ये अब धीरे 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 जेन्युइन लग रही है। और सिर्फ देवलीना ही नहीं, बल्कि माहिरा ने भी सिद्धार्थ शुक्ला को जो है कह दिया है कि वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे और एंटरटेनिंग लगते हैं, अच्छे लगने लग गए हैं। ओ माई गॉड,
बिग बॉस के घर में इक्वेशंस बदलती है ये पता था बॉस, लेकिन इतनी फाड़ू इक्वेशंस बदलती है ये नहीं पता था। जी हाँ, डेफिनेटली इस बार वीकेंड का वार पर घर वालों को टास्क दिया गया एक दूसरे को टैग्स देने का, यू नो टाइटल्स देने का, जिसका बोर्ड वो अपने गले पर लगाएंगे। अब ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने एंटरटेनिंग का जो मोस्ट एंटरटेनिंग का जो टैग है वो दे दिया देवोलीना भट्टाचार्य जी को। जी हाँ, यानी कि देवोलीना को जब उन्होंने दिया तो देवोलीना आती है और फिर वो जैसे वरमाला यानी कि जयमाला होती है दूल्हा दुल्हन के बीच में, वैसा कुछ एक सिनेरियो में नजर आया जहाँ सिद्धार्थ शुक्ला उन पर वरमाला वाले पोज में वो बोर्ड लगाते हुए नजर आए, एंटरटेनिंग का बोर्ड लगाते हुए नजर आए, और साथ ही साथ ऑडियंस का वीकेंड का वार पर एक तरीके से ऑडियंस का भी ओपिनियन समझ में आता है कंटेस्टेंट्स को। तो ऑडियंस का ओपिनियन ये समझ में आया कंटेस्टेंट्स को यानी कि देवोलीना को कि वो जो नोकझोंक कर रही है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है और कुछ इसी तरीके से हल्की फुल्की मस्ती मजाक होती है वीकेंड का वार पर। सो आप आज बिल्कुल मिस मत कीजिएगा वीकेंड का वार। दिस इज ज्योतिना हक साइनिंग ऑफ। और हाँ, इनकी जोड़ी कैसी लग रही है आपस में आप जरा कॉमेंट करके भी बता दो। सलमान खान अपने हर दिन को जी भर के जीते हैं। इनफैक्ट अपने बिजी स्केड्यूल के चलते भी उन्हें हर बात का ख्याल रहता है। ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान को बच्चों से कितना लगाव है। ऐसे में चिल्ड्रंस डे को और भाईजान कुछ ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेल, तो जैसा कि हम सबको अंदाजा था, सलमान खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जहां वो बच्चों के साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। बच्चों के बीच इस परफॉर्मेंस में भाईजान के अंदर का बच्चा भी बाहर आ गया और सभी इस मौके को एंजॉय कर रहे थे। इस क्लिप के कैप्शन में सलमान ने अपने नन्हे फैंस को चिल्ड्रंस डे की बधाई देते हुए लिखा, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टुडे एंड एवरी डे। वर्क फ्रंट पर सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म दबंग 3 के प्रमोशंस को किक स्टार्ट कर चुके हैं, साथ ही वो बिग बॉस 13 को होस्ट भी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी ईद 2020 पर रिलीज होने वाली फिल्म राधे यो मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग भी शुरू कर दी है। वह सलमान खान की अपॉइंटमेंट डायरी तो स्केड्यूल से पैक्ड है और फिर भी उन्हें इन नन्हे फरिश्तों के साथ झूमते हुए देखकर आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। नशे से चढ़ गई हाय कुड़ी नशे से चढ़ गई। जी हाँ, नशे सा कौन किसको चढ़ा है, नशे सी देवोलीना चढ़ गई है सिद्धार्थ शुक्ला को। अब ये क्या अतरंगी स्टोरी है चलिए बताती हूँ। वेल, हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहा। बिग बॉस के घर में हर दिन इक्वेशंस चेंज होती रहती है, लेकिन आजकल हमें एक न्यू इक्वेशन देखने को मिल रही है जो कि है सिद्धार्थ शुक्ला और देवोलीना भट्टाचार्य जी। जी हाँ, देवोलीना हाल ही में ऑफकोर्स नजर आई थी बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाते हुए बाथरूम में जाकर। वो बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, बहुत कुछ कहा सिद्धार्थ शुक्ला को, क्योंकि उन्हें लगता है काफी बेसिकली जब आप किसी एक इंसान से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तब आप इस तरह की बातें करते हो। और फिर रश्मि उन्हें संभालती हुई नजर आई बाथरूम के अंदर जाकर, लेकिन उसके बाद से एक अलग ही शांत जोन नजर आ रहा है देवोलीना का और वो आंखों ही आंखों में आंखों की गुस्ताखियां करती हुई इंडल्ज होती हुई नजर आ रही है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। अब ये उनको इरिटेट करना चाहती है या फिर उनसे हंसी मजाक में उनकी यू नो जिसे कहते हैं मखमल में लपेट के देना, वो वैसा कुछ करना चाहती हैं तो बात अलग है, पर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को घूरते रहना, साथ ही साथ बर्तन धोते वक्त जब घर में बर्तन यू नो धोते वक्त वो सिद्धार्थ शुक्ला के हाथों को यूं कर रही हैं, यू नो उनके हाथों को प्यार से मसाज दे रही हैं, उनके साथ बर्तन धो रही हैं, साथ ही साथ ये भी कह रही हैं जिससे प्यार है उसे इशारा समझ आ जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह की नोकझोंक चालू हो चुकी है और सिद्धार्थ शुक्ला भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, देखने में ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो गई है, सब लोग घर में इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और क्या पता नाटक करते करते ही सही पर सच में प्यार हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है, अगर आपको सिद्धार्थ और देवोलीना की जोड़ी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूं ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। भाई रॉकेट हो तो फिर अक्षय कुमार जैसा, कभी टाइटल फिस होता ही नहीं है, हमेशा सिर्फ उड़ान भरता रहता है। वेल, हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योतिना हक। अक्षय कुमार ऐसी मिसाइल है जो कभी फ्लॉप नहीं होते, हर बार एक के बाद 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 एक उनकी फिल्म्स आती रहती हैं। जैसे ऑफकोर्स हाउसफुल गई, वैसे ही बेल बॉटम का यू नो पोस्टर आ गया, उसके बाद फिर बारी आ गई अब
पृथ्वीराज की, लक्ष्मी बॉम्ब, बहुत सारी चीजें लाइनअप है अक्षय कुमार की प्लेट में, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन हाल ही में आज एक वीडियो सामने आया है जो अक्षय कुमार ने खुद पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया साइट पर, और उन्होंने लिखा कि स्टेपिंग इनटू द न्यू जोन, स्टेपिंग इनटू द न्यू फिल्म, ऑफकोर्स पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार की बहुत जल्द आने वाली है, दिवाली पर 2020 में फिल्म आने वाली है जिसकी तैयारी आज से शुरू हो गई है। यशराज लेकर आ रहे हैं इस फिल्म को, क्योंकि हमें रानी मुखर्जी, आदित्य चोपड़ा, अक्षय कुमार और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि मानुषी शिलर, जी हाँ मानुषी शिलर नजर आने वाली हैं इस फिल्म में। काफी लोग मानुषी की अचीवमेंट्स के बाद इस बात को पूछ रहे थे कि ब्यूटी पैजेंट जीतने के बाद अब वो किस फिल्म से डेब्यू करने वाली हैं, किस फिल्म से डेब्यू करने वाली हैं। तो फिर मैं बता देती हूँ कि पृथ्वीराज से वो अपना बॉलीवुड का डेब्यू करने वाली हैं, जहां पर वो अक्षय के साथ सीधा सीधा डेब्यू करती नजर आएंगी। और हाल ही में एक पूजा का एक माहौल दिखाई दिया जहां पर एक घर में एक हवन रखा गया है, पूजा रखी गई है इस फिल्म की शुरुआत के लिए, इस पूजा को रखा गया है। रानी मुखर्जी नजर आई वहां पर हमें, साथ ही साथ आदित्य चोपड़ा नजर आए, अक्षय कुमार, मानुषी शिलर, ये सभी लोग वहां पर नजर आए। वेल, ये तो बड़ा ही खूबसूरत तरीका था इस फिल्म की शुरुआत का, लेकिन आप लोग पृथ्वीराज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? और दिवाली गिफ्ट इस बार अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं ईद 2020 पर, तो क्या कहना चाहोगे कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।